हेलो मिस्टर रॉय, आपको फोटोज भेज दिए, चेक कर लीजिए। सासुमा, अब तो माला माल हो जाएंगे। मैंने मूर्ति की फोटोज मिस्टर रॉय को भेज दिए। ये लो, उनका रिप्लाई भी आ गया। क्या ये कह रहे हैं ये मूर्ति देखना चाहते हैं? तो अच्छा है ना, आप कल ही बुला ले। बुला तो लूं, पर सुमित्रा चाची को पता ना चल जाए। उसके लिए हमारी खोपड़ी में जबरदस्त आइडिया है। देख, हम इस मूर्ति को यहाँ से उठा लेंगे और इसकी जगह हूबहू नकली मूर्ति रख देंगे। फिर क्या है, हम तो खूब नोट कमाएंगे कमिया। और सुमित्रा, इस नकली मूर्ति की स्थापना करके लोगों की बददुआएं कमाएगी। वाह सासू, आप पिछले जन्म में पक्का सोने की तस्करी करती होंगे। मामा लक्ष्मी, आपने अपने दर्शन से हमारे भाग्य को रोशन कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे जीवन भर की श्रद्धा को फल मिल गया, और हम चाहते हैं आपकी ये चमक आपके सभी श्रद्धालुओं पर पड़े। आप देखिएगा, आपकी स्थापना गांव के मंदिर में हम बड़े धूमधाम से करवाएंगे। ये चंटू मैया तो मूर्ति के साथ चुंबक की तरह चिपकी गई है, हटी नहीं रही। वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे मूर्ति देखने के लिए। सासुमा, वो लोग आ गए। ए, अरे गांव की जोगन, जी बड़ी दादी। बस बहुत हो गई तेरी पूजा, चल फटाफट जा। ज्यादा अदरक, कम चीनी, 50 ग्राम दूध, 30 ग्राम पानी, हमारे लिए फटाफट चाय बना के लेके आ। ये कैसी चाय है? कैसी का स्पेशल चाय है, हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। जा जा जल्दी लेके आ। देख कमिया, अब इसको बहुत वक्त लगेगा हमारी चाय बनाने के लिए। हाँ आ जाइए, जल्दी करो जल्दी करो। ये रही मूर्ति, जल्दी चेक करिए। तीन डाली चाय पत्ती, शक्कर कम, अदरक। बड़ी दादी ने ज्यादा अदरक बोला था। आज ऐसी चाय बनाएंगे कि बड़ी दादी का सर दर्द जीवन भर के लिए चुमंतर हो जाएगा। अरे बस बेकर, आपका घिस घिस के सारा सोना यही निकाल देगा का। बस एक मिनट और, जल्दी कर बिटू, आप जल्दी कर। एकदम खरा सोना है। बड़ी दादी, ये लोग कौन है? अरे चुप कर बड़ी दादी, जा दे हमरी। खराब बना के लेके आई, सब उल्टा पुल्टा करके ले, चल जा यहाँ से।
हमने बता अदरक ज्यादा चीनी कम, चीनी ज्यादा अदरक कम, उल्टा करके लेके। पर बड़ी दादी कौन? अरे सर फटा जा रहा है, बड़ी दादी लगती। जा चाय बना के लेके। इसमें एडवांस 25 लाख रुपए है, बाकी का मूर्ति मिलने के बाद देंगे। ठीक है। बिल्कुल जी बिल्कुल। दिवाली वाले दिन मंदिर की मूर्ति स्थापना के दौरान हम मूर्ति की अदला बदली करेंगे। हम स्थापना वाले दिन मूर्ति आपको दे देंगे। चल कमिया। कौन थे ये लोग और बड़ी दादी को इतना बड़ा बस्ता कहाँ देखे गए? मॉर्निंग आकाश। गुड मॉर्निंग। हम दोनों की आदतें कितनी मिलती जुलती हैं। मुझे भी सुबह सुबह एक्सरसाइज करने का शौक है। ऐसे नहीं करते, हाथ ऐसे करो। ये बेशरम अपने पति से खाई चिपक रही है। अंग्रेजी हीरो हम भी आज से व्यायाम करना सीखेंगे आपसे। व्यायाम? व्हाट? व्यायाम जो तुम चिपक चिपक कर रही थी। मतलब कुछ सुना है। अंग्रेजी हीरो आप हमें वजन उठाना सिखाइए। मतलब तुम साड़ी में एक्सरसाइज करोगी? काय साड़ी में नहीं कर सकते व्यायाम, ऐसे चिपके हुए कपड़ों में करना जरूरी होता है। नहीं, जिस कपड़े में तुम्हें आराम मिलता है उस कपड़े में करना चाहिए। हाँ तो ठीक है, हमें साड़ी में आराम मिलता है, हमें साड़ी में ही सिखाइए। क्या नया शौक पाला है तुमने? मुझे पता है तुम इस मिली की वजह से आई हो ना? हाँ, उसकी वजह से आए हैं। अब सिखाइए हमें भी। मैं कुछ नहीं सिखा रहा तुम्हें, जाओ यहाँ से। अरे नंदिनी क्या हुआ बेटा? दादी माँ अंग्रेजी रूप पढ़ाई लड़की को व्यायाम करना सिखा रहे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्या करें हम? हम जानते हैं कि तुम्हें मिली से जलन होती है, लेकिन ये जलने का वक्त नहीं है, मेहनत से अपने आप को काबिल बनाने का है और आकाश की उम्मीदों पर खरा उतरने का वक्त है। बेटा हम जानते हैं कि तुम आकाश को बहुत चाहती हो और ये तुम चाहती हो कि आकाश तुम्हें वापस प्यार करे तो तुम उसके बराबर बनो, क्योंकि तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हारा है नंदिनी। Oh,
क्या हुआ, इतनी खुश क्यों दिख रही हो? दादी माँ, हमने इतना सजा हुआ घर सिर्फ फिल्मों में ही देखा है ना। नंदिनी इस घर की सबसे छोटी बहू है, इसलिए इस साल घरौंदा बनाने की विधि का अधिकार हम नंदिनी को देते हैं और उसके बाद हम नंदिनी को एक उपहार भी देंगे। दादी माँ, ये घरौंदा कैसे बनाया जाता है? इसके पीछे कहानी है। जब रामचंद्र जी और सीता जी वनवास से वापस लौटे थे, तब खुशी से सब लोगों ने दीपक जलाए और घरौंदा बनाया, और घरौंदा का प्रतीक है सुख, शांति और समृद्धि। और हर बहू की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने घर में घरौंदा बनाए। ठीक है दादी माँ, हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। शहर के सारे बड़े आदमियों को आमंत्रण दे दिया है मैंने। बड़ी दादी, सुमित्रा दादी ने घरौंदा बनाने की जिम्मेदारी इस बार उस नंदिनी को दी है। पिछली बार हम दोनों ने बनाया था। ये तो होना ही था। धीरे धीरे हर चीज की जिम्मेदारी, हमारी जिंदगियों की जिम्मेदारी, खाने पीने उठने बैठने की जिम्मेदारी सुमित्रा उस नंदुरिया को दे देगी, और हम सबके हाथ में दे देगी भीख मांगने वाला कटोरा, भगवान के नाम पे दे देगी। अगर इस नंदुरिया का कुछ किया नहीं ना, तो फिर तो ये महारानी बनके हम सबके सर पे नाचेगी। चिंता मत कीजिए सासू माँ, उसके बारे में मैंने सोच लिया है। कल सुमित्रा चाची किसी सम्मेलन के लिए बाहर जाने वाली हैं, तो उनकी गैर हाजिरी में मैंने ताश पार्टी रखी है, और उस ताश पार्टी में इस युग का सबसे बड़ा दांव लगने वाला है। एक पति अपने पत्नी को दांव पे लगाएगा। पर वो कैसे चाची? वो ऐसे कि कल मैं आकाश के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी करूंगी कि वो मजबूरन अपनी बीवी नंदिनी को दांव पर लगाएगा, और ऐसे पूरी होगी इस साल की दिवाली। एक बार वो नंदुरिया इस घर से बाहर निकल जाए ना, तो बस मूर्ति स्थापना वाले दिन तसल्ली से मूर्ति बदल दी जाएगी। वरना अगर नंदुरिया इस घर में रही तो उसने अपने नाक कान टांग सब कुछ चढ़ा देना। ध्यान से नंदिनी को क्यों देख रहे हैं? जी हीरो हमसे नाराज लग रहे हैं। घरौंदा बनाने के बाद हमसे उनकी नाराजगी का कारण पूछेंगे। आकाश ने बोला था कि वो नंदिनी को छोड़ना चाहते हैं, तो आज मैं आकाश को सब कुछ बता दूंगा कि मुझे नंदिनी पसंद है। जब तू डिवोर्स लेगा तो नंदिनी से मैं शादी कर लूंगा, बस फिर मैं और नंदिनी खुशी खुशी जिंदगी बिताएंगे, और इसी बहाने सुमित्रा दादी भी खुशी हो जाएंगी, क्योंकि आकाश से डिवोर्स के बाद भी नंदिनी इसी घर में रहेगी। दादी माँ, कैसे बनाया हमने? बहुत सुंदर, बिल्कुल तुम्हारे तरह। तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी है ये घरौंदा बनाने में।
हाँ बिल्कुल सही बोला, इस नंदुरिया ने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसके घर वालों ने तो पूरी कसर छोड़ दी। अरे दिवाली के त्योहार पर मायके से कुछ तो आता है, पर इसके घर वालों ने तो ठेंगा दिखा दिया। अरे सासू माँ आप भूल गई क्या, ये बिचारी नंदिनी तो अनाथ है, इसके प्यारे नानू का तो देहांत हो गया था ना शादी के बाद। मुरली भैया आप नमस्ते, जय राम जी की। जय सियाराम। अरे नंदू दिवाली आ रही है ना, इसलिए गांव से तुम्हारे लिए सगुड़ लेकर आए हैं, ये देखो चना, ये गुड़ और ये हमारे खेत का कद्दू। इसके घर वालों ने तो हद्दी कर दी है, पोकटिया का कद्दू, चार आने का चना। और हमरे घर में आके तो हजारों का सामान लूट के लेके जाए। मुरली हमें बहुत अच्छा लगा कि तुम हमारे घर आए हो। तो ये सामान नंदिनी बेटा ये रख लो। ये हमारी बहू नंदिनी के लिए उपहार है, सोने का सिक्का। ये लो बेटा। दादी माँ हम इसी का देवी माँ के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं, ताकि अपने परिवार की कुशलता की कामना कर सके। हाँ बेटा जाओ। हाँ तेरे नानू ने सिखाया था ना, कुछ भी लूटो तो भगवान से और लूटने की तरकीबें सिखा दो। छोड़ो उन्हें, जाओ बेटा। आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए ना। घर पधारी, आजा कमिया आजा। मुरली तुम भी चले जाओ दर्शन कर लो।
हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, खाना खा के जाओ मुरली। दादी माँ सिक्का नहीं रखा है वहां पे। अरे वही होगा बेटा, देखो ध्यान से देखो। आकाश जाओ देखो, मेरे चरणों में तो रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे चिंता मत करो, वही होगा। दादी माँ, हमने माता के चरणों में ही रखा था, पता नहीं कहाँ गया। सच बताओ, ये किसने किया है? यहाँ सबसे फटीचर हालत तो नंदिनी के भाई मुरली की ही लग रही है। मुझे पूरा यकीन है इसी ने ही किया होगा। पूछो इससे, क्योंकि यही गया था ना आखिर में दर्शन करने। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.